I asked my Royal Enfield community exactly what purpose do you use your bike. ज्यादातर लोग ये बाइक को यूज कर रहे हैं फॉर सिटी. यूट्यूब में इस टाइप के वीडियोस बहुत ही कम है जहां पर वो रॉयल एनफील्ड क्लासिक बाइक के सिटी राइडिंग कैपेबिलिटीज के बारे में बात कर रहे हैं. सिटी में जाओ और क्लासिक का आवाज नहीं आए ऐसा होता ही नहीं है. बहुत ही लंबा राइड पे जाने वाले हम लोग, मुंबई टाउन, टाउन टू थाने, थाने से फिर से मलाड़ साइड आएंगे. आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैंने 3,500 किलोमीटर कवर किया है. आगे बढ़ते और हम लोग समझते हैं कि ये बाइक के क्या प्रोज एंड कॉन्स है सिटी में एंड क्या आपको ये बाइक लेनी चाहिए या नहीं. सो लेट मी टॉक अबाउट द फील ऑफ द राइड. मतलब अगर आपको सिटी में ये बाइक राइड करना है तो आपके पास एक अपराइट हैंडल बार है जिसके वजह से एक कमांडिंग राइडर्स पोजीशन बन जाता है और आपको राइड करते वक्त बहुत ही एक ईज वाला फीलिंग देता है ये. साथ में जो इसके स्विचेस, नॉब्स और यहाँ पर मेरे को चार्जिंग पॉइंट है, ट्रिपल नेविगेशन है, स्पीडोमीटर है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, LCD वाला डिस्प्ले है, तो ये सारा चीज़ एक बहुत ही सिंपली लेड आउट है. कोई नया राइडर भी है वो इजीली इसे यूज़ कर पाएगा. ये सारे मिलके आपको एक रिलैक्स्ड राइड का एक्सपीरियंस दे देते हैं. बोलते हैं ना यूज़ में आना चाहिए, खाली अच्छे दिखने का कोई फ़ायदा नहीं होता है. तो ये उस तरीके का बाइक है इस्तेमाल करने में, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, नो नॉनसेंस. इसमें हैजार्ड लाइट्स दे दिए गए हैं. अभी अगर सडनली कुछ मेरे को लग रहा है इमरजेंसी सिचुएशन है, ऑल हैव टू डू इज क्लिक दिस. इनफैक्ट ये सारे स्टैंडर्ड फिटमेंट है. हैंडल लॉक भी यहाँ पर दे दिया गया है. मतलब आपको बाइक रुका के जैसे ही आप पुश करके लॉक कर देते हैं वहीं पर लॉक हो जाता है. सो सिटी ट्रैफिक में आप इसमें बहुत ज़्यादा एवरेज मत एक्सपेक्ट करना माई फ्रेंड्स. This is not going to cross 25-26 अगर इस तरीके का हैवी सिटी ट्रैफिक है जो मुंबई, बट आपको एटलीस्ट 25 तो आप 100% काउंट कर सकते हैं. एनीथिंग बिलो दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल एंड एनीथिंग अबाउट 30 इज नॉट पॉसिबल इन द सिटी ट्रैफिक. अगर आपको स्टिल इसका माइलेज रिव्यू देखना है तो आप, मैं ऊपर आई बटन, मैंने पूरा एक सिटी राइड किया था जिसका आप आई बटन में वो पूरा फुल वीडियो देख सकते हैं. तो इसके राइडिंग ग्रिप्स बहुत ही अच्छे हैं जो अच्छा खासा आपको फील देंगे ड्यूरिंग द राइड इन द सिटी या हाईवेज पे भी आप जहाँ भी जाएं. ट्रिपल नेविगेशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैंने ऑन नहीं किया है क्योंकि मेरे को पता है मैं कौन से डिस्टेंस कहाँ जाने वाला हूँ आज. तो मुंबई सिटी है, मेन हाईवेज पे ही मैं रहने वाला हूँ, बट अगर कोई स्पेसिफिक मैं अगर बिल्डिंग पे जाता तो मैं ज़रूर उसे ऑन करता था. आप लोगों को ये बहुत ही ज़रूरी है समझना कि आप जो बाइक लेने वाले हो वो सिटी में किस तरह चलेगा, क्योंकि इसके बिना आपने अगर डिसीजन ले लिया देन आप लोग को वो बाइक या तो सेल करनी पड़ेगी या उसी को आपको चलानी पड़ेगी. द वे उसके हिसाब से आपको एडजस्ट होना पड़ेगा. सो मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड विद दिस रिव्यू वेदर द क्लासिक 350 इज़ द बाइक फॉर यू और नो. कोई नया राइडर भी ये बाइक ले सकता है क्योंकि इतना सिंपल है चलाने में एंड बस आपको वेट मैनेजमेंट इसका समझना है. वंस यू आर अप विद दैट, दैट्स इट. उसके बाद में आपको ये बाइक इतनी पसंद आएगी कि आप इसके अलावा कोई बाइक जल्दी नहीं लेने वाले हो माय फ्रेंड्स, दैट इज़ फॉर श्योर. ये देखो इस तरीके से हमें बार बार ब्रेक्स गियर्स यूज़ करते रहना पड़ता है. तो इसमें क्या फ़ायदा है बताएं कि मैं एक्चुअल में अगर अभी आप देखोगे ना मैं थर्ड गियर पर ही चला रहा हूँ. मतलब आई हैव जस्ट स्लोड डाउन. मैं अभी भी मैंने गियर चेंज नहीं किया है. अभी सिंस आई हैव टू कम्प्लीटली स्टॉप तो मैं गियर न्यूट्रल पर डाल दूंगा, बट अदरवाइज़ मैं गियर्स ज़्यादा यूज़ ही नहीं करता हूँ सिटी में एंड उसी वजह से शायद मेरा एवरेज थोड़ा कम आता है. और भी एंड ऑफ द डे आपको क्या कम्फर्ट है, बिकॉज कुछ ना कुछ तो बिगड़ना है, या तो पेट्रोल बिगड़ना है, या तो क्लच केबल बिगड़ना है, या तो गियर बॉक्स बिगड़ेगा अगर आप ज़्यादा यूज़ करोगे. एंड सिटी में वो यूज़ होना ही है बार बार. देखिए इस तरीके से पतले पतले रास्तों पे भी या फिर पतले कट्स मारने होते हैं ना तभी भी आप इजीली मार पाओगे. आप अगर आप इस राइड को यहाँ देखेंगे छोटी छोटी गलियों में से हम लोग जाने वाले हैं, पतले पतले जगहों में से हम जा रहे हैं. एंड कैसा है
एक रिस्पेक्ट होता है कोई भी रॉयल एनफील्ड बाइक्स जब जाते हैं ना। मैं यहाँ पर आपको चला के इसीलिए दिखा रहा हूँ माय फ्रेंड्स, हो सकता है आपको बोरिंग लगे ये कंटेंट, बट जिस दिन आप ये बाइक लेने का डिसाइड करेंगे ना, ये वीडियो आपके लिए बहुत काम में आने वाला है। इट्स गोना बी वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल वीडियोज ऑन द इंटरनेट फॉर रॉयल एनफील्ड क्लासिक यूजर्स, बिकॉज आपका मेजर यूज सिटी में ही होने वाला है। हाईवे पे आप कितने दिन लेके जाओगे आफ्टर ऑलमोस्ट 5 months ऑफ टेकिंग दिस बाइक? सिटी में भी हो तो देखा जाए तो 7 दिन में से 1 दिन ज़्यादा से ज़्यादा आप सिटी के बाहर लेके जाएंगे। तो सिटी में ये बाइक, जो रोग बाइक का मैं इसको टाइटल देना चाहता हूँ ना, इट कैन डू एवरीथिंग। चार्जिंग पॉइंट है, फ्यूल इंडिकेटर है, फाइनली ये भी हम लोग एक बहुत बड़ा टॉपिक की तरह बोलना पड़ रहा है बिकॉज रॉयल एनफील्ड ने फाइनली फ्यूल इंडिकेटर दिया है। अभी देखिए मैंने 3rd gear से उठाया, ये एकदम स्लो होके, नो नॉकिंग नथिंग, 3rd gear में था मैं, मुझे स्लो होना पड़ा, स्लो हो गया, उसके बाद फिर स्पीड अप, स्पीड लेना पड़ा है। बस उसको क्लच को आपको यूज़ करने आना चाहिए वो टाइम पे स्मार्टली, मेरे को बार बार गियर चेंज करते नहीं पड़ना बिकॉज दैट बिकम्स वेरी टायरिंग फॉर योर फीट्स इन द एंड ऑफ द डे। अभी मैं बंद कर देता हूँ कि आई थिंक अराउंड 75 seconds बाकी है, थोड़ा फ्यूल भी सेव हो जाएगा। दिस बाइक इज़ अ रिलैक्स नेचर बाइक माय फ्रेंड्स। आप बहुत सारे बाकी बाइक्स ले लेंगे जो फास्ट होते हैं एंड फ्यूरियस होते हैं, बट सिटी में आप कौन से गियर्स यूज़ करते हो? 1, 2, 3 मैक्सिमम 4 हाईवे पे हो तो जो दूसरे बाइक्स होते हैं ना इसके कंपेरिजन में, KTM या कोई भी आप ले लो, उन लोग का कैसे रहता है, हायर रेशो में पावर होता है, तो आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे ऊपर जाते जाते वो पावर देता है। यहाँ आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड पे ही इसका मेजर पावर दे दिया है। ये देखिए ईजिली आप, मैंने डायरेक्शन चेंज कर दिया, यहाँ से लिया ये, यू कैन हैव फन ऑन दिस बाइक। ये मैं ब्रेक, सडन ब्रेक्स यूज़ कर लिया, ब्रेकिंग बहुत अच्छा हो गया है, सडन आपको डरा के नहीं रुकाएगा, करके ऐसे नहीं रुका देगा, ये आपको एक पीसफुली हॉल्ट पे लेके आएगा ये बाइक, एंड आपको लगेगा कि हाँ, मतलब आई एम एबल टू मैनेज इट, क्योंकि ब्रेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट माई फ्रेंड्स, स्पेशली इन द सिटी। इसका ABS क्विकली किक इन कर लेता है अगर कोई सडन सिचुएशन है ना, आपको पता है, यू विल फील जब आप लोअर पीछे का रेयर ब्रेक्स में, मैं जब डिस्क है पीछे भी, तो व्हेन आई यूज़ इट आई अंडरस्टैंड दैट आई एम एक्चुअली हिटिंग अ क्विक ब्रेकिंग मोमेंट, एंड वहाँ पर मुझे ABS किक इन हुआ करके पता चलता है, वो मुझे हल्का सा एक फीलिंग दे देता है। ये देखिए ऐसे सिचुएशन, ऐसे टफ रोड्स पे भी हम लोग बहुत ही आराम से मनूवर, इसका जो टर्निंग रेडियस है ना माय फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी, अच्छे अच्छे बाइक्स को ये पीछे छोड़ देता है टर्निंग रेडियस के मामले। लेट्स से बैड रोड, आई वेंट डाउन, आई विश टू कम अप, केम अप अगेन, बैड रोड्स, टुक इट ईजिली, बैड रोड अगेन। चलिए ये रहा ऑफ रोडिंग, हल्का सा सिटी में ऑफ रोडिंग हो ही गया है 100%। ये देखिए ये रहा छोटा सा नमूना कि हाउ ईजी इट इज़ टू मनूवर, पतले पतले रास्तों में भी हम लोग इसे निकाल सकते हैं लाइक एनी अदर बाइक, बट दिस विल कम विद एक्सपीरियंस माई फ्रेंड। मैंने 2011 से, जब मुझे बाइक चलाना भी नहीं आता था ना, तभी मैंने रॉयल एनफील्ड लिया था। आई मीन उसको डेरिंग बोलो या फूलिशनेस बोलो, जो भी बोलो, बट दैट इज़ अ फैक्ट। प्लस इसका जो सीटिंग पोजिशन है, ओ माई गॉड, ये सीटिंग पोजिशन के लिए ही तो मैंने ये बाइक ली थी। एक्सपीरियंस राइडर के हाथ में तो और भी अच्छा आप इसका यूज़ कर सकते हैं, एंड वो बाइक ऊपर से निकल जाती है। लेट अस स्पीड अप नाउ। सो मैं इस बाइक के प्रोज एंड कॉन्स अगर डिस्कस करूं, तो प्रो में है इसका वे ऑफ हैंडलिंग। आई मीन इतना वेट होने के बावजूद जिस तरीके से ये बाइक हैंडल करता है ना, उसका कोई जवाब नहीं है, और इतना इजी टू यूज़ है ये बाइक, इसमें आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं दी गई है। एंड ऑफ द डे सिटी में हमें सिंपली एक बाइक यूज़ करना है फ्रॉम A point to B point जाने में, और वो हमें कितना कम्फर्ट में लेके जाता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है।
कंफर्ट के मामले में अगर मैं बात करूं, आपको इतना अच्छा सीट दे दिया है कि आप अगर इस पे दिन भर भी बैठे रहेंगे, इस पे राइट पोस्चर इस पे मेंटेन करके बैठे रहेंगे कितने भी वक्त, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ जीरो होगा, बट इन कंपैरिजन जो मेरे प्रीवियस बाइक्स या फिर बाकी जो मैंने बाइक्स टेस्ट राइड किए हैं उनके कंपैरिजन में इस बाइक का कंफर्ट एक अलग ही लेवल है। इस बाइक का अगर गियर रेशियोज का बात करें वो इसका एक और पॉजिटिव पॉइंट है, बिकॉज लोअर गियर रेशियो में आपको इतना अच्छा पावर दिया है कि आपको वो चलाने में बहुत ही मजा आता है। एंड इवन अगर मैं थर्ड या फोर्थ गियर पे पिक लेना चाहता हूँ ना, तो इतना मज़े से ये बाइक पिक करता है और ऐसे लगता है मस्त हैवी बाइक को मैं चला रहा हूँ और वो मुझे खींच के लेके जा रहा है। इट फील्स फन, बहुत मज़ा आता है ये बाइक चलाने में। यस, वो मेरे एक्सपीरियंस की वजह से भी है क्योंकि मैं ये बाइक इतने वक्त से चला रहा हूँ, इस स्टाइल का बाइक, तो दैट हेल्प्स मी टू डिराइव दैट हैप्पीनेस। मुझे वो बैंड हो के मतलब वो सीटिंग पोजीशन मुझे कभी पसंद नहीं आया, या फिर एकदम ज़्यादा भी हम लोग जब रिलैक्स बैठते हैं वो मुझे एक बोरिंग सीटिंग पोस्चर लगता है। दिस इज़ समथिंग विच इज़ एक्साइटिंग फॉर मी, यू नो, एक चौड़े में हो चौड़ा होके बैठना बोलते हैं ना, आई रियली लाइक दिस पोस्चर। नो, इट एंड ऑफ द डे हम जो भी बाइक चूज़ करते हैं ना वो हमारे माइंडसेट के हिसाब से चूज़ करते हैं। बहुत लोगों को बाइक लेने में कन्फ्यूजन इसी वजह से होता है बिकॉज दे डोंट नो देयर माइंडसेट कि मैं एग्जैक्टली मैं क्या हूँ। जिस दिन आपको वो पता चल जाएगा ये सारे डिसीजंस तो आप ऐसे ही ले लोगे। हाउएवर टिल देन पीपल लाइक मी कैन हेल्प यू। सो और एक प्रो मैं अगर इसके बारे में बोलूँ तो वो है इसका मेंटेनेंस। अभी इसका मेंटेनेंस 6 महीने में एक बार आपको करना है। पहले एवरी थ्री मंथ्स में आपको मेंटेन करने होते थे ये बाइक्स। माई फ्रेंड्स, मेरे लिए वो एक बहुत बड़ा डिसाइडर था। जानता हूँ कि क्या पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स है ये बाइक के, तो वो सारे चीज़ें सॉल्व होती हुई जब मैंने देखा ना तब मैंने ये बाइक लिया है। टू बी ऑनेस्ट, आई एम अ लॉन्ग टाइम कस्टमर ऑफ रॉयल एनफील्ड एंड स्टिल आई हैव डिसाइडेड टू गो अहेड विद अ बाइक फॉर मी। एंड मेरा डे वन से डिसाइडेड था कि मेरे को सिटी और हाईवे दोनों के लिए चाहिए, जो भी चाहिए। एक और पॉजिटिव के बारे में बात करना चाहूँगा, दैट इज़ इट्स स्टेबिलिटी इन द सिटी। आप इस बाइक को, मैं सिर्फ हाई स्पीड की बात नहीं कर रहा हूँ, सिटी में आपको हाई स्पीड जाने को मिलता ही कहाँ है आजकल। मैं लो स्पीड पे भी ये बाइक स्टेबल ही रहती है। ओह माय गॉड, लुक एट दैट ट्रैफिक, जस्ट लुक एट दैट ट्रैफिक। तो लो स्पीड पे क्या हो जाता है, इसी वजह से हमें एवरेज नहीं मिलता है माय फ्रेंड्स। ये देखिए, इस तरीके का ट्रैफिक में आप अच्छे से अच्छा एक्टिवा भी उठा लीजिए, उसमें भी आपको बहुत कम एवरेज आता है इस तरीके के जो सिटी ट्रैफिक्स में। एंड ऑफ द डे हम किस तरह चलाते हैं, क्या सिटी कंडीशंस मिले, ये सारे टॉपिक्स के ऊपर है। और अगर आपको 350 सीसी का पावर चाहिए सिटी में ही, तो माय फ्रेंड एवरेज तो आप लोग को गिव अवे करना पड़ेगा। ये देखिए, अभी मुझे थोड़ा सा एक ऑफ रूट लेना पड़ा ईजिली। जैसे वो पतला सा बाइक चला गया वैसे ही मैं, इनफैक्ट मैंने पैर भी नीचे नहीं रखा है while I did that. And that guy had to literally balance himself and stuff. मुझे नहीं करना पड़ा वो। This is the difference. जो मैं stability की बात कर रहा था, एकदम slow speed में भी आप ये देखिए, मुझे तुरंत हल्का सा right लेके निकलना है and there you go. ये देखो इस तरह से हम लोग easily ये bike को निकाल सकते हैं। सो ये थे सारे प्रोज, और भी बहुत हैं। आपके हिसाब से कोई और एक प्रो है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अभी आगे बढ़ते हैं कॉन्स की तरफ। सबसे पहला कॉन जो मेरे हिसाब से है, दैट इज़ मेरे लिए थोड़ा मुझे कभी कभी क्लच हैवी लगता है। आई विल से कि कभी कभी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है तभी हल्का सा आपको फील होगा कि आपने आज वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक छोटा सा कॉन है, टू बी ऑनेस्ट द क्लच इज़ स्लाइटली ऑन अ हैवियर साइड। सेकेंड कॉन इज़ द वेट, जो इसका पॉजिटिव पॉइंट है ये इसका नेगेटिव पॉइंट भी है, बिकॉज हर कोई ये वेट मैनेज नहीं कर पाता। मुझे हैबिट है, मुझे ईज ऑफ स्टेबिलिटी चाहिए, तो मैं वेट प्रेफर करता हूँ। हो सकता है किसी के लिए ये नेगेटिव पॉइंट हो, कोई थोड़ा पतला इंसान हो उसके लिए ये नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा ना। सो फॉर दैट पर्सन दिस विल बी अ नेगेटिव पॉइंट। थर्ड है, इसके थोड़े बहुत रिलायबिलिटी इशूज़ हैं, मतलब जैसे स्पीडोमीटर का इशू आया है। अभी मैं एक 3000 किलोमीटर के बाद का रिव्यू करूँगा, उसमें थोड़े और डिटेल में बताऊँगा क्या क्या इश्यूज आए हैं, कुछ थोड़े बहुत हैं जो बाइक में। तो हल्के फुल्के रिलायबिलिटी इश्यूज सामने आ रहे हैं, बट आई थिंक दोज आर माइनर, वेरी माइनर।
एंड नथिंग मच टू कंप्लेन अबाउट। एंड फोर्थ, इसका टायर्स कंप्लीटली ऑन रोड के हैं, तो स्लाइटली ऑफ रोडिंग टायर होते तो इट कुड हैव बीन इवन बेटर। नॉट जस्ट बेटर बट ड्यूरिंग रेनी सीजन एज आई टोल्ड यू, ये टायर्स थोड़े स्लिपरी लगते हैं मेरे को, मतलब जब पानी होता है ना, क्योंकि इसमें ट्रैक्शन बढ़ गया और वेट है, इंजन में अभी स्पीड आ गया है, वो अगर टायर के ग्रिप से मैच नहीं करेगा तो वो व्हील स्पिन मारेगा ही मारेगा। तो वो मैंने दो तीन बार फील किया, एंड दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग कि थोड़े बारिश के मौसम में या फिर अगर पानी बहुत है रोड पे, थोड़ा संभाल लेना माई फ्रेंड। ये बाइक संभाल लेगा तुमको, बट तुम भी उसको संभाल लेना यार। अगर मेरे हिसाब से पूछो ना तो ये एक रोग बाइक है। रोग मतलब जो एकदम ही डेविलिश बाइक होता है ना, दिखने में एकदम सीधा साधा और चलाने में एकदम ज़बरदस्त, ये उस तरीके का एक बाइक है। लोकेशन है सिटी का, वहाँ पर भी यू कैन सी मैं इजीली यहाँ से वहाँ से लेके जा रहा हूँ। कभी कभी तो मैं कुछ भी नहीं करता, ये अपने आप जाते रहते हैं, कुछ लोग रुक जाते हैं हमें देख के। ये देखो अब मैंने पैर नीचे नहीं रखा, मैं थोड़ा ऊपर चढ़ गया किसी चीज़ डिवाइडर के छोटे से, मैं निकल गया।